अदलिया में काली भेड़ों से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस नाराज। जस्टिस अतर मिनला ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म को बता दें यहाँ काली भेड़े नहीं काले भूंड हैं। अटॉर्नी जनरल ने सफाई दी कि शहबाज शरीफ का बयान मौजूदा जजेस के बारे में नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तारमीम केस की समाअत बरह रास्त नशर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई भी वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश। सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। मुल्क की सुप्रीम अदालत में अदलिया में काली भेड़ों की बाजगश्त। केस था नैब तारमीम के खिलाफ। अदालत लगी तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बयान पर नाराजगी जाहिर कर दी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, क्या फैसले पसंद ना आए तो जज काली भेड़े हो जाते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला बोले, वज़ीर-ए-आज़म को बता दें यहाँ काली भेड़े नहीं काले भूंड हैं। अगर आपको लगता है कोई काली भेड़े हैं तो इनके खिलाफ प्रेफरेंस ले आए। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने सफाई पेश करते हुए जवाब दिया कि वज़ीर-ए-आज़म का बयान अदलिया के मौजूदा जजेस के बारे में नहीं था। नैब तारमीम कल अदम करार देने के खिलाफ हुकूमती वकील ने दलाइल समेटते हुए कहा, नैब तारमीम करना हुकूमती पॉलिसी है, अदलिया पार्लियामेंट के इख्तियारात में मदाखलत नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या नैब तारमीम से कुछ जराइम को खत्म करके मुजरिमों को फायदा पहुंचाया गया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा, क्या नैब सेक्शन 9A5 में बारे सबूत वाली शिक तब्दील करके नवाज शरीफ की सजा खत्म नहीं की गयी। चीफ जस्टिस ने हुकूमती वकील से कहा, आप यहाँ पार्लियामेंट के हके कानून साजी का दिफा कर रहे थे, मगर अभी फिर एक शख्स ने रिमांड से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी करके पार्लियामेंट को नीचा नहीं दिखाया। वकील मखदूम अली खान ने कहा, वो इस ऑर्डिनेंस का दिफा नहीं करेंगे। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने नैब तारमीम कलदम करार देने के खिलाफ समात बराह रास्त नशर करने की दरखास्त 4-1 से मुस्तरद कर दी। जस्टिस अथर मिनल्ला ने फैसले से इख्तिलाफ किया, ताहम चीफ जस्टिस ने वाजे कर दिया कि ये मफाद आमा का नहीं तकनीकी मसला है। चीफ जस्टिस और बानी पीटीआई के दरमियान भी मुकालमा हुआ। बानी पीटीआई ने कहा, ये सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट का मामला है। 8 फरवरी को भी डाका डाला गया। चीफ जस्टिस ने कहा, जो केस हमारे सामने इस वक्त है इसी पर रहे। जेल में केस की तैयारी के लिए मवाद और वकला तक रसाई ना मिलने की शिकायत पर अदालत ने बानी पीटीआई को फौरी मुतलिका सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर दी। नैब तारमीम कलदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपील पर समात 1 हफ्ते बाद फिर होगी।